हे गाइस, क्या हालचाल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा की थीम शेयर करूंगा, जिसको आप One UI 2.0 थीम भी कह सकते हो। और आपको तो पता ही है One UI का मजा ही कुछ और होता है। और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ मैं इसका लाइव वॉलपेपर भी शेयर करूंगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और भाई यार, अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं, क्योंकि हम ऐसे ही ओप्पो एंड रियलमी रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत किए, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, थीम का ओवरऑल लुक आप लोग देख सकते हो, जैसे कि ये जो आइकॉन है वो सारे के सारे आपको One UI जैसा ही देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये जो कॉम्पास आइकॉन है गाइस, वो रोटेटिंग है, मतलब जिसको आप लोग फैंसी आइकॉन भी बोल सकते हो। और दोस्तों, स्टेटस बार का जो आइकॉन है लाइक नेटवर्क और बैटरी, वो भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। और इधर आप लोगों को एक प्रॉब्लम आ जाता है, जो कि ये जो परसेंटेज है वो अगर बैटरी के अंदर होता है तो ठीक से विजिबल नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जब भी इस थीम आप लोग अप्लाई करोगे वो आप लोग कुछ इस तरह सेटिंग कर लेना, जो कि आपको सेटिंग के अंदर इजीली मिल जाएगा। और गाइस, इस थीम में आपको One UI जैसा विजेट भी देखने को मिलेगा। और इधर आप लोगों को एक दिक्कत आ सकता है, वो ये कि ये जो विजेट है वो कुछ इस तरह आपके फोन पर देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा है तो आपको सिंपली इसको रिमूव करना है और विजेट वाला ऑप्शन पर आके आपको इस क्लॉक वाला विजेट ऐड करना है, ठीक है। तो ये जो विजेट है वो पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस, इस थीम का सबसे खास बात है इसका नोटिफिकेशन पैनल, क्योंकि आप लोग अभी देख सकते हो मैं किसी भी तरह थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इधर यूज नहीं किया हूँ नोटिफिकेशन पैनल के लिए। ये हमारा जो रियलमी UI का स्टॉक नोटिफिकेशन पैनल है वही आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर जो आइकॉन है गाइस, वो सेम टू सेम मैं One UI का ऐड किया हूँ। और साथ ही साथ आइकॉन का जो बैकग्राउंड है वो भी सेम टू सेम आपको ब्लू स्काई कलर यानी One UI के कलर में देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये जो ब्राइटनेस सिग बार है वो भी आपको सेम टू सेम One UI जैसा ही मिलता है। लॉक स्क्रीन का इंटरफेस आप लोग कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ये जो वॉलपेपर है वो आप लोग इजीली चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन आप लोग इस आई बटन का वीडियो देखकर सीख सकते हो कैसे लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज करते हैं। दोस्तों, इस थीम को अप्लाई करना बहुत ही आसान काम है। पहले आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर, उधर आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। आपके डिवाइस पर जो OS रनिंग है, लाइक मेरा अभी रियलमी UI है, तो आप लोग ऐसे देख कर आपके डिवाइस के लिए डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक के नीचे एक मिरर लिंक भी देखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ये मिरर लिंक क्या होता है। गाइस, मिरर लिंक जस्ट उसका एक अल्टरनेटिव लिंक होता है। जैसे कि मैं मेगा के लिंक देता हूँ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो कुछ लोग उस मेगा से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं मिरर लिंक लिखकर एक गूगल ड्राइव का लिंक भी नीचे दे देता हूँ, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली से चले जाना है डाउनलोड फोल्डर पर। तो थीम मेरे अभी डाउनलोड फोल्डर पर नहीं है, मैं इस फोल्डर पर रखा हूँ, ठीक है। तो थीम मिलने के बाद आपको इस थीम पर क्लिक कर देना है। देन ऐसा थीम का इंटरफेस खुल जाएगा, उसके बाद आपको इस ट्राई मी पर क्लिक कर देना है और इस थीम को अप्लाई होने देना है। दोस्तों, अप्लाई होने के बाद इधर 5 मिनट का जो ट्रेल रह जाएगा, आप लोग देख सकते हो ये 5 मिनट ट्रेल। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको बेसिकली एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है सेट एडिट। आप लोग देख सकते हो प्ले स्टोर पर सर्च करने से आपको मिल जाएगा इस सेट एडिट ऐप। तो इसको ओपन करने के बाद इधर आपको एक लाइन ढूंढना है। ओके दोस्तों, इस ऐप के अंदर इस लाइन आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है precis.sys.trail.theme। तो इस पर आपको क्लिक करना है, जाना है एडिट वैल्यू पर, उसके बाद इस 1 रिमूव करके आपको इधर 0 डाल देना है, ठीक है। तो 1 में रिमूव कर दिया, देन 0, आप लोग अभी देख सकते हो इसका वैल्यू अभी 0 हो गया। तो इसके बाद आपका काम खत्म हो चुकी है, अभी इस थीम परमानेंट आपके डिवाइस पर अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। गाइस, अभी मैं आप लोगों के साथ नोट 20 अल्ट्रा का लाइव वॉलपेपर शेयर करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो मेरे फोन पर ऑलरेडी लाइव वॉलपेपर अप्लाइड है। तो इसको करने के लिए बेसिकली आपको एक वीडियो फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी आप लोग देख सकते हो ये बहुत सारा वीडियो फाइल मेरे डिवाइस पर है, तो इसका सारे के सारे लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। आप लोग इस MP4 फाइल को डाउनलोड कर लेना। देन इस वॉलपेपर सेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर से इस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, जिसका नाम है गाइस वीडियो वॉलपेपर। तो जब भी आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। देन आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जाना है इस लोकल वीडियो ऑप्शन पर। देन ये जो MP4 वीडियो फाइल है वो देखने को मिल जाएगा, आपको जो अच्छा लगे आप लोग उस पर क्लिक कर दीजिए। देन सेट एस लॉन्चर वॉलपेपर कर दीजिए, उसके बाद ओके, ठीक है। उसके बाद आपका जो लाइव वॉलपेपर है वो सक्सेसफुली सेट हो चुकी है। अभी आप लोग देख सकते हो लाइव वॉलपेपर हमारे फोन पर अप्लाइड हो चुकी है। गाइस, आज की इस वीडियो में शॉर्ट आउट जाता है अंकुर कुमार को। थैंक यू भाई, आपने ऐसा एक मोटिवेटेड कमेंट किया। ये जानकर मुझे सच में अच्छा लग रहा है कि बड़े बड़े जितना भी यूट्यूबर्स है उनके वीडियो के लिए आप जैसे वेट करते हैं, मेरे वीडियो के लिए आप वैसे ही वेट करते हैं। सो आपको थैंक यू। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।